क्या लगती है आपको राजस्थान में और पूरे देश में? राजस्थान में तो वो राज पलटेगा, राजस्थान का करेक्टर भी ऐसा है, और करेक्टर के अलावा जो आशाएं राजस्थान की सरकार से थी, गहलोत साहब से थी, घोषणा पत्र में संपूर्ण कर्जे माफ़ी की बात की थी, संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ़ नहीं हुआ, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, सभी बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी ये जो टीचर लगाए थे 93,000 वो निरस्त कर दिया, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो रही है, और बेरोजगार यहाँ तक ही सीमित नहीं रहे, लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन दिया है कड़ाके की ठंड में, और गुजरात में भी दिया है, तो जवान भी परेशान है, कानून की स्थिति भी खराब है, भयंकर भ्रष्टाचार है, और आपस में कांग्रेस में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, सिर्फ फुटबॉल ज़्यादा है, तो राजस्थान की जनता इनसे ऊब चुकी है, और ऊबे हुए लोग परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन निश्चित रूप से होगा और भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा। सर होकर रूट आने की संभावना थी, अब जयपुर होके जा रहा है, क्या जयपुर पायलट और गहलोत के विवाद के चक्कर में इधर उधर अंदरूनी खींचतान चल रही है? अभी विवाद तो जग जाहिर है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि जब से राज में आए हैं तब से इनमें आपस में झगड़ा हो रहा है, एक कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा कुर्सी पाने के लिए आतुर है, और राजस्थान की जनता सैंडविच बनी हुई है, भुगत रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, भयंकर भ्रष्टाचार है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ हो रहा है, लॉलेसनेस पूरी तरह से है, तो जनता तो पूरी तरह से राजस्थान में त्रस्त है। अब रूट बदल गया है मेरी जानकारी में नहीं है, पर पहले दौसा होकर रूट था, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हुड़दंग इतने बड़ा नेता आ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई करता, लेकिन संशय है, शंका है, तो कांग्रेस ही जाने, पर हमारे इलाके में ऐसी बात कोई होने वाली नहीं लगती, न गुर्जर समाज की तरफ से न किसी और की समाज से। गुजरात का इलेक्शन नज़दीक है, क्या लगता है आपको बीजेपी का किस तरह का परफॉर्मेंस रह सकता है, और हिमाचल में वोटिंग हो गई क्या लग रहा है? अभी तो वहाँ जाने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो सूचनाएँ मिल रही हैं वहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में आएगा, हिमाचल की मेरे को जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी का कुछ मानते हो गुजरात में भविष्य? मेरे को जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें 3-4 सीट आम आदमी पार्टी की आ सकती है, बाकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं, बीजेपी 130-135 पर जाएगी, कांग्रेस 30-35 सीट ले लेगी, और आप पार्टी 3-4 पर अटक जाएगी, ऐसा जो वहाँ मैं अपने मिलने जुलने वाले हैं जो गुजरात में रहते हैं, अपने राज्य के लोग भी वहाँ बहुत हैं, उनकी सूचना के आधार पर कह रहा हूँ, और 21, 22, 23, 24 तक मेरी बार ड्यूटी लगाई है, तब मैं और अच्छी तरह से आपको बता सकूँगा। राजस्थान में भी उपचुनाव है, क्या एंटी इनकम्बेंसी का कुछ होगा सरकार से? एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लेकिन चुनाव में समीकरण भी अपने आप में महत्व रखता है, जातीय समीकरण, दूसरे जो समीकरण होते हैं वो किस ओर जाते हैं ये अभी भविष्य में पता लगेगा। सर उनसे अपने आप को अलग कर लिया जो यहाँ के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी थे प्रदेश के, और ये विवाद के चलते सचिन पायलट गहलोत के विवाद, उन्होंने ठीक किया, दो जब सांड लड़ रहे हों तो बीच का इनोसेंट आदमी क्या करे। अजय माकन जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, लड़ाई इतनी ज़्यादा है कि वो दोनों में बीच बचाव नहीं कर सकते, कहीं खुद ही पिस जाते, इसलिए समय पर हट गए। गुलाम नबी की तरह तो अजय माकन जी भी कदम नहीं उठा सकते? नहीं, वो तो उनका मामला है, गुलाम नबी, अजय माकन या गहलोत साहब क्या कदम उठाएंगे तो वो जाने, लेकिन समय रहते हुए दूर हो गए, जंग तो कांग्रेस में चुनाव के नज़दीक और ज़्यादा होने वाली है, तो उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया है। थैंक यू।